18-17 को एक रावण नगर में रॉबरी हुई थी जिसमें के 70 लाख की हुई थी। एक CMS की कैश वैन थी जिसको कुछ लोगों ने लूट लिया था, उसमें एक आदमी इंजर्ड भी हुआ था। उसमें काफ़ी मेहनत की गई, CCTV देखे गए, टेक्निकल एनालिसिस भी किया गया। और उसके अलावा हमने तमाम SHO को बुला के, तमाम बीट वालों को बुला के, जो हमारे पास फुटेज थी वो दिखाई गई थी। हालांकि इसमें फुटेज डायरेक्ट कोई नहीं थी क्योंकि सब ने हेलमेट लगा रखे थे या मास्क पहन रखे थे और पूरा कोई ऐसा क्लू छोड़ा नहीं था। इसलिए लोकल इटालियंस पे जोर दिया गया कि सभी SHOs काम करें। एक बीट वाले भी बुलाए गए थे, बीट वालों से मैंने खुद बात की, उनको सारी फुटेज और ये सब दिखाई गई थी। उसी के तहत हमारा हेड कॉन्स्टेबल रंजीत है, वेलकम थाने में, उसके पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि इस लूट के बारे में इन्फॉर्मेशन थी। उस पर हमने काम किया, डोल किया SHO वेलकम ने, ACB सीलमपुर में, एडिशनल DCP ने मिलकर, और हेड कॉन्स्टेबल रंजीत ने खूब मेहनत की। उससे हमने एक आदमी को अरेस्ट किया है, कृष्ण अलियास तोता, ये गड़ी मंडी का रहने वाला है। इसके साथ ही कुलदीप, ये कृष्ण अलियास तोता है, ये हमारा गड़ी मंडू भजनपुरा का रहने वाला है। दूसरा बंदा है कुलदीप जो के सोनिया विहार का रहने वाला है, जैसे गड़ी मंडू पहले रहता था अभी आजकल। ये जो कृष्ण लैस होता है ये तो बैचों का डिलीवरी काम करता है, और कुलदीप पहले ड्राइवरी करता था, सिक्योरिटी एजेंसी में काम कर चुका है, और यहाँ पे जो पुल बन रहा है यहाँ पे भी एज ए सिक्योरिटी एजेंसी में काम कर रहा है, और छोटी मोटी चोरी करते रहते हैं। और ये वहाँ का जो कंपनी का जो ब्रिज बन रहा है वहाँ से लोहा वोहा चोरी करके बेचते रहते हैं। इनसे हमने हमारे पास 3 लाख रुपये की रिकवरी हुई है। जो मेन इनका मास्टर माइंड है वो अभी भागा हुआ है, उसको हम तलाश कर रहे हैं, उसको पकड़ने की टीम भी यूपी गई हुई है, बाकी के साथी उसके उसके पकड़ने के बाद पकड़े, बाकी की रिकवरी भी उसके बाद होगी, उसकी हम कोशिश जारी है। सर ये मास्टरमाइंड है जो, उससे खबर कहाँ से मिलेगी? वो उसके बाद पकड़ने पता लगेगा। ये लोगों से 3 लाख रुपये में मिल गए हैं, इसको 15 लाख रुपये मिले थे। ये जो कुलदीप नाम का बंदा है इसने कुछ पैसे तो तोता को दे दिए, कुछ इसने अपने गांव इटावा में उधारी चुका दी। अब 10 लाख रुपए कह रहा है कि कैलाश वापस ले गया जो मेरा हिस्सा मिला था, पर हम उससे कुछ काम भी कर रहे हैं कि कोई और भी इससे मिलने आया था, गांव में हम टीम भेजेंगे, हो सकता है 10 लाख रुपए इसने उसको दे दिया, सर। कितने उस पर लोग, जाएंगे कितने लोग शामिल थे इसके अंदर पूरी गैंग में, इन्होंने कितना बताया गया है इसमें? कि देखिए एग्जीक्यूट प्लान तो 4 ने किया, पर 2 लोग और थे जो बातों में थे, लेकिन सब में 6-7 लोग होंगे। अभी हमने 2 लोगों को पकड़ा है, पूरा प्लान कैसे बना, किसकी इन्फॉर्मेशन थी, ये मास्टरमाइंड को पकड़ाने के बाद। अच्छा ये कोई गैंग है सर या वैसे? नहीं, इनका कोई है ही नहीं, कोई केस ही नहीं है, कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कैलाश के साथ जो साथी थे 3, उनका क्या है पकड़ने का पता लगेगा, उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा जो गैंग थी उसका कोई सदस्य को बराबर नहीं, वो इनको तो नहीं जानता।